में इतना नहीं डराते। अच्छा, ऑफलाइन में डराता तो छोड़, ऑफलाइन में मैं इससे भी ज्यादा पढ़ाता था, ऑफलाइन में मैं इससे भी ज्यादा पढ़ाता था। पता है कैसे पढ़ाता था? पढ़ाई के साथ बदतमीजी करता था मैं। पता है कैसे? नहीं सुना होगा, कभी बताता हूं थोड़ा सा। ये बोर्ड है, मैं बोर्ड पे पूरा लिख देता था, और एक बच्चे की हिम्मत नहीं है कि वो अपना कलम उठा ले, चुपचाप सुनता था, समझता था चीजों को। उसके बाद बोर्ड भरने के बाद मैं छोड़ता नहीं था, उस दीवार पे लिख देता था। जब सर हाइट तो आपकी छोटी है, दीवार पे कैसे कूद जाते थे? नहीं मतलब ऊपर तक नहीं जाता था हाथ, जहां तक हाथ जाता था ऊपर से नीचे तक दीवार पे लिख जाता था, फिर इधर दीवार पे लिख देता था, फिर गेट खोल के गेट के दोनों तरफ लिख देता था। मान लीजिए गेट है, इस गेट पे भी पूरा पढ़ा देता था, गेट उल्टा करके भी पूरा पढ़ा देता था, फिर इस दीवार पे भी पूरा पढ़ा देता था। मेरा बस चले तो मैं सीढ़ी चढ़ा के छत पे भी लिख देता। और तुम्हें मजाक लग रहा होगा, नहीं मैं रोज ऐसे ही पढ़ाता था। तुम्हें लगता होगा नहीं ऑनलाइन में इतना पढ़ा देते हो, ऑनलाइन में इतना कंटेंट पढ़ा, नहीं नहीं मैं ऑफलाइन में भी ऐसे ही पागल की तरह पढ़ाता था। मैं दिखा दूंगा, हाँ नहीं आज मैं एक फोटो अपलोड कर देता हूं, पुराने फोटो है, झूठ नहीं है, तुम्हें लग रहा है ना झूठ? यस, यही यही बात होती है, यही सोच है बस, यही कुछ भी। यस वेरी गुड, यही यही एक सोच है कि तुम्हें जो असंभव लगता है ना, सक्सेसफुल आदमी वो सच में कर देता है। और पढ़ाई के लिए तुम्हें लगता होगा कि सर इतना पढ़ना, इतना मैनेज करना कितना मुश्किल है, लेकिन वो सच में जो पागल है ना पढ़ने वाला, जो सेलेक्ट होता है ना, चुपचाप बैठ के सब कुछ करता है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा सर ऐसे। हाँ जी हाँ बिल्कुल, रोज हर क्लास ऐसे ही। ठीक है ठीक है, आज ही दिखा देता हूं ना, मैं दिखा दूंगा बेटा। जी सरकार। ऐसे कौन पढ़ाता? मैं पढ़ाता, पूरा बोर्ड भर के, पूरा वो दीवार भर के, लेफ्ट साइड का दीवार, फिर बोर्ड के बगल का ये दीवार, फिर ये दीवार, फिर गेट, सब कुछ। समझ गया तो भाई? पर ठीक है।